अल्हम्दुलिल्लाह सबस झंडी की इज्जत बढ़ रही है। वो दुनिया जो माजी में हमारे वजीर आजम को तकरीर नहीं करने देती, वो अब सबस परचम वालों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सदरात दे रही है। वो ट्रंप जिसने नवाज शरीफ से 5 मिनट पून काल के अलावा कभी कोई राबिता न किया, वो ट्रंप भारत में कड़े होकर कहने लगा, इमरान खान मेरा दोस्त है, पाकिस्तान से हमारे अच्छे ताल्लुकात है। जिस सऊदी अरब ने नवाज शरीफ को मेहमान बुलाकर भी तकरीर करने न दी, इसी सऊदीया का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के सामने बैठकर कहता है, वजीर आजम साहब मुझे आप सऊदीया में अपना सफीर समझे, बड़ी आस्ती के कभी सबस खिलाली परचम वाले अक्वाम मुत्तहिदा में तकरीर करे और दुनिया इसको सराहे। फिर वक्त ने देखा कि एक सबस परचम वाला दुनिया के सामने बोलता है और फिर ऐसा बोलता है कि बोलने का हक अदा कर देता है। अपने अल्फाज से अपने वतन के साथ साथ पूरी उम्मत की तर्जुमानी कर देता है। दुनिया ने इस सबस परचम वाले के तकरीर को सबसे ज्यादा सुना। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब अपना वक्त आएगा इस सबस खिलाली परचम को बुलंद कर रहना है। कौमों की इज्जत कौम की लीडरों से होती है, लीडर में लीडरशिप हो तो दुनिया इसकी पीछे चलती है, वरना तारीख ने ऐसी लीडर भी देखे हैं जिन्हें दुनिया ने चोर, करप्ट और धोखेबाज के नाम दिए हैं। अपने मेजबान अदनान परास को इजाजत दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान चैनल।